हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई। जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया अपडेट के बारे में बात करेंगे जो कि सैलरी को लेकर है। जी हाँ, क्या अपडेट सामने आ रही है, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों सैलरी इंक्रीमेंट या हाइक इन सैलरी ये सारे लोगों को वेट रहता है जो लोग भी जॉब्स करते हैं यहाँ पे। तो हर ईयर के एंड पे दिसंबर मंथ में एक सर्वे किया जाता है जिसमें यहाँ के जितने भी फॉर्म्स हैं कंपनीज हैं वहाँ पे जाके सर्वे की जाती है कि इस साल कितना सैलरी बढ़ा है और नेक्स्ट ईयर कितनी सैलरी बढ़ने की संभावना है। तो ये सर्वे रिपोर्ट सामने आ गया है, आप लोग खलीज टाइम्स में भी देख सकते हैं, पूरा सर्वे रिपोर्ट उसमें आया है। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, सर्वे रिपोर्ट में जो 60-70% कंपनीज हैं यूएई की, उन्होंने बताया है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को 5% तक का हाइक देंगे, यानी कि 5% आपके सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है 2024 में। तो ये बहुत ही बढ़िया एक अपडेट है। साथ में ये भी कहा है कि जिसकी सैलरी 1500 या 1000 दिरहम के बीच में रहती है उनके लिए 7-7.5% के इंक्रीमेंट कंपनी सोच रही है 2024 में करने की, क्योंकि हर चीज़ के प्राइस में हाइक हुआ है। चाहे आप रेंट की बात कर लीजिए, ग्रोसरीज की बात कर लीजिए, स्कूल्स की बात कर लीजिए, एजुकेशन फील्ड की बात, सारे जगह पे हाइक्स हुए हैं। तो 70-80% कंपनीज सोच लीजिए बोल रही है कि आपका हाइक ज़रूर करेगी। ये जो लास्ट में बचे 20% कंपनीज है ये लोग इसलिए उतना रेस्पॉन्स नहीं कर पाए क्योंकि उनका जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि ये जो 20-30% कंपनीज है वो बोल रही है कि लेटेस्ट बाय 2023 में जब प्राइस हाइक्स हुए हैं हर जगह के तभी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के जो सैलरी हैं उसको बढ़ा दिए हैं, 5-7% सैलरीज बढ़ाए हैं, इसलिए 2024 में वो लोग नहीं बढ़ा सकते। अगेन वो लोग वीज़ा ख़त्म होने पे या फिर 2 ईयर्स कंप्लीट होने पे वो लोग सैलरी का सोचेंगे। तो यही वो 20% कंपनीज है जो लोगों ने रिसेंटली सैलरी बढ़ाई है। बाकी जो 70-80% है यानी कि मैक्सिमम कंपनीज आपका सैलरी इस ईयर पे यानी कि आने वाले ईयर पे ज़रूर से बढ़ाएगी। तो आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने कंपनीज को बोल सकते हैं क्योंकि हर जगह प्राइस हाइक्स है हर जगह। तो देखिए ऑटोमेटिकली सैलरी नहीं बढ़ता है, या यहाँ पे अब मैं प्रैक्टिकल बात बता देती हूँ, 60-70% कंपनीज ऐसी हैं जो खुद से प्राइस सैलरी हाइक नहीं करती हैं आपकी, ठीक है। आपको बोलना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, काम के ज़रिए आपको शो करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका सैलरी ज़रूर से बढ़ेगा, 5-7% सैलरी आपकी बढ़ सकती है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।